हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार. और यहाँ जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है आपको सीधा सा, और इंफॉर्मेशन ये देनी है कि जैसे कि आपके पजल का बैच है या कंप्लीट बैच है, तो ये राधिक रीजनिंग की जो लाइव बैचेज हैं इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देनी है. आपका SBI PO का बैच भी है, क्लर्क का बैच भी है, बहुत सारे बैचेज, लेकिन अभी जो स्टार्ट हुआ है, जैसे कंप्लीट हम सीधी बात करते हैं, सीधी बात यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का एक बैच स्टार्ट हुआ है, जो अभी स्टार्ट हुआ है आपका 17 जनवरी से. उसमें अभी 3-4 क्लासेज हुई हैं. तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि पजल सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छे कंटेंट के साथ हम प्रैक्टिस कैसे करें, किस तरह से अप्रोच बनाएं, तो वो अप्रोच या चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है. जैसे एग्जाम से पहले आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, या आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, या आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं, क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सारा उन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो इस बैच में मैं प्री प्लस मेंस, बेसिक टू एडवांस एंड क्लर्क से PO, तो सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ. 3-4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो जो अभी भी इसमें एनरोल करा सकते हैं, ऑफकोर्स करा सकते हैं, और जो एनरोल कराएंगे उनको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. और जिस तरह से फिर आगे जो मंडे से क्लास चलेगी, तो उसमें आप मेरे साथ साथ चीज़ों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, और उस लेवल पर प्रयास कर पाएंगे जहाँ आपका एग्जाम में आप अच्छे से पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का बैच, जो आपको store@247.com, क्या है, store.adda247.com पे आप विजिट करोगे. उस पे आप जाओगे तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे आपको क्लिक करना होगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस. तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, वहां आप फिर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कंप्लीट पजल सिटिंग अरेंजमेंट का बैच मिलेगा. ठीक है, और एक दूसरा जो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि भाई SSC में, जैसे हम टारगेट करते हैं SSC में रीजनिंग आसान होता है, ऑफकोर्स आसान होता है, लेकिन वहाँ हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स कैसे आए, जैसे प्री में हमारे मार्क्स आते हैं, या 25 की 25 क्वेश्चन हम कैसे कर पाए. तो उसमें जैसे कैलेंडर है, मैट्रिक्स है, क्लॉक है, तो बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आपको सीखनी होती है. तो ऑफकोर्स वो बैच भी मेरा यहाँ पे आ चुका है, और ये स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से. 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी इवनिंग 6 to 7. क्या टाइमिंग है, 6 to 7. तो ये बैच भी मेरा आ चुका है, जो लाइव बैच रहेगा, जिसमें आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑफ कोर्स कंटेंट भी मिलेगा, PDF भी मिलेंगी. तो अगर अगर कोई स्टूडेंट SSC CGL और CHSL, ठीक है, को बेस बना रहा है, और वो चाहता है कि रीजनिंग में उसका एक मतलब जो कहीं भी अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, या कोई भी टॉपिक है, जैसे नॉन वर्बल का टॉपिक है, या क्लॉक है, कैलेंडर है, आपका डाइस है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो वो सारे टॉपिक्स को मैं इसमें कवर कराऊंगा, और फिर आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाएंगी. तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है और आपको अच्छा करना है, तो ऑफ कोर्स आप इस SSC CGL और CHSL के बैच में भी आ सकते हैं, जो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है. और ये भी कहाँ अवेलेबल होगा, store.adda247.com पे. एंड इसके लिए जैसे बैंकिंग की तो कोई तैयारी कर रहा है, तो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए पजल सिटिंग अरेंजमेंट का बैच ऑफकोर्स बुक कर सकते हैं. और इसको ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी एग्जाम में, आप पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं एग्जाम में, तो ऑफ कोर्स आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट आएगा. प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई जादू तो नहीं चलता है. यहाँ पे आपको अप्रोच के साथ में डील करूंगा, अप्रोच क्या है, किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से प्रोसेस है ना, और किन किन बातों को आपको समझना है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बैच में समझेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे. ठीक है, उस लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे, बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. अगर आप तैयार हैं मेहनत के लिए, आपको लगता है कि मेरे को मेहनत करनी है और हर हाल में मेरे को एग्जाम निकालना है, तो ऑफ कोर्स आप मेरे इस बैच में बिल्कुल आ सकते हैं, जो है कंप्लीट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का बैच, और जो आपको मिलेगा store.adda247.com पे. ठीक है, एंड और जो बच्चा SSC को भी टारगेट कर रहा है, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि बैंकिंग के साथ में SSC भी अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन बैंकिंग में रीजनिंग का अलग पार्ट है और SSC का अलग पार्ट है. SSC के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग में कवर नहीं होते हैं, तो वो भी इस बैच में इनरोल करा सकते हैं, और वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी. ठीक है, तो मस्त तरीके से आप तैयारी करें, आगे बढ़ें, और बिल्कुल जो भी एग्ज़ाम है उसको टारगेट करें, और आपको लगता है तो आप इनरोल करा सकते हैं. वो store.adda247.com पे आप विजिट करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड 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 आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप मस्त तरीके से आगे बढ़ें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.